हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये है आपका सेकंड वीडियो ज्योग्राफी चैप्टर 15 क्लास 6 रेडस्टोन पब्लिकेशंस बुक के लिए। इसके पहले हमने देखा था बेटा रोटेशन के बारे में, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि रोटेशन क्या होता है। मैंने आपको इसके बाद एक एक्टिविटी समझाई जिसमें हमने देखा कि जो डे और नाइट का फिनोमेना होता है वो आखिर कैसे होता है। ओके, इस वीडियो में हम देखेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ द रोटेशन, कि रोटेशन के क्या इफ़ेक्ट्स हमारी अर्थ पर पड़ते हैं। तो सबसे पहला इफ़ेक्ट तो यही होता है बेटा कि जैसे जैसे हमारी अर्थ रोटेट करती है डे और नाइट फॉर्म होते हैं, ठीक है, दिन और रात होते हैं। वहीं सनराइज़ ईस्ट में होता है और सनसेट वेस्ट में होता है। ओके, जिसे हम सूर्योदय और सूर्य अस्त बोलते हैं। डेली राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द टाइड्स, राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द टाइड्स का मतलब है बेटा अर्थ में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, आप सभी को पता होगा कि हमारी अर्थ में एक फोर्स होता है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, हम जब भी कोई चीज़ ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो चीज़ डायरेक्ट नीचे आती है। ओके, क्यों आती है? क्योंकि अर्थ में ग्रेविटी होती है और ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। ओके, तो ऐसे ही सी की जो लहरें होती हैं, समुद्र की जो बड़ी बड़ी लहरें होती हैं, वो इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बहुत ऊँचाई में उठती हैं। ओके, किनारों में आकर के, बीचेस पे आकर के, और वो भी किस लिए होता है? अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है। Then Earth take 4 minutes to rotate 1 degree longitude. It make difference in local times at different longitudes. Earth में जो longitudes होते हैं बेटा, मैंने आपको बताया था longitudes मतलब ये वाली जो line होती हैं, okay? Vertical जो line होती हैं ये longitudes होती हैं, ठीक है? तो अर्थ क्या होती है? अर्थ जब रोटेट करती है इस तरह से, जब वो रोटेट करती है, गोल गोल घूमती है अपने ही एक्सिस में, तो एक लॉन्गिट्यूड को शिफ्ट होने में 4 मिनट लगते हैं, ठीक है? एक लॉन्गिट्यूड ऐसे शिफ्ट होने में 4 मिनट का टाइम लगता है। देन 4 मिनट, तो इससे क्या होता है बेटा, जैसे जैसे अर्थ रोटेट होती है तो जो एरियाज़ हैं उसमें टाइम डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है? लोकल एरियाज़ में कुछ कुछ टाइम डिफरेंसेस, थोड़ा थोड़ा टाइम डिफरेंसेस आते हैं। जैसे कि अगर हम हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें, चाहे पाकिस्तान हो या चाइना हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा टाइम डिफरेंस है। ओके, बहुत ज़्यादा नहीं है, अनलाइक यूरोपियन कंट्रीज़। यूरोपियन कंट्रीज़ में तो बहुत ज़्यादा टाइम डिफरेंस है, हमारे यहाँ दिन होता है तो वहाँ रात होती है, लेकिन हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में इतना ज़्यादा टाइम डिफरेंस नहीं है। ओके, आगे चले, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट नीचे ग्रिटी में दिया हुआ है। ओके, सो हियर गिवन यू द एवरेज डिस्टेंस जो है आपको सन और अर्थ के बीच का दिया हुआ है। आगे चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन मैंने आपको समझाया था बेटा, रिवॉल्यूशन का मतलब होता है हमारी अर्थ जो है, ये हमारा सन है और ये हमारी अर्थ है, ठीक है? ये मैं ई मार्क कर दे रही हूँ, इसे मैं इसे एस मार्क कर दे रही हूँ। तो अर्थ जब सन के अराउंड गोल गोल घूमती है, इसे हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन, ठीक है? While the earth is spinning on its axis, it is revolving around the sun in a counterclockwise. तो अर्थ अपनी ही एक्सिस में स्पिन भी करती है, खुद भी गोल गोल घूमती है और सन के चक्कर भी लगाती है, इन अ जाइगेंटिक एलिप्टिकल ऑर्बिट। काउंटर क्लॉकवाइज मतलब बेटा वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। ओके, और जाइगेंटिक एलिप्टिकल ऑर्बिट मतलब बहुत जाइगेंटिक मतलब बहुत विशाल काय एलिप्टिकल ऑर्बिट। एलिप्टिकल ऑर्बिट का मतलब होता है बेटा इस तरह की ऑर्बिट में घूमती है अर्थ। ओके, ये हमारी अर्थ की ऑर्बिट है और इसी ऑर्बिट में अर्थ जो है सन के रिवॉल्व करती है। एज द ऑर्बिट इज एलिप्टिकल एंड अर्थ टिल्स वाइल रिवॉल्विंग, देर आर टाइम्स व्हेन द अर्थ इज इट एट इट्स फार्देस्ट डिस्टेंस और क्लोजेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो जब अर्थ घूमती है इस ऑर्बिट में और अर्थ खुद भी तिरछी है, ठीक है, तो कभी कभी ऐसा समय आता है जब अर्थ जो है सन से बहुत दूर हो जाती है। ओके, और कभी कभी ऐसा भी टाइम आता है कि जब अर्थ जो है सन के बहुत करीब होती है। तो जब बहुत दूर होती है उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं एफिलियन, और जब बहुत नज़दीक होती है सन के, दैट डिस्टेंस इज नोन एज पेरिहेलियन। ओके, याद रखिएगा एफिलियन एंड पेरिहेलियन। ओके, आगे चलते हैं। इट टेक्स द अर्थ 365 डेज एंड 6 आवर्स टू कम्प्लीट 1 फुल रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। अब सपोज़ कीजिए कि ये अर्थ है, यहाँ पर हमारी ई मार्क कर दिया मैंने इसे, और ये है आपका सन। तो जब अर्थ ने यहाँ से रिवॉल्यूशन स्टार्ट की, तो अर्थ को यहाँ तक आने में कितना टाइम लगता है? 365 डेज एंड
6 आवर्स, एक साल कंप्लीट होता है ना बेटा, तो 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में सन की, ठीक है। अब इसे हम कन्वीनियंस के लिए सिर्फ 365 डेज एज अ सिंगल ईयर हम मानते हैं, 6 आवर्स को हम ऐसे नॉर्मली काउंट नहीं करते हैं, ओके। बट येस, लगते हैं इतना 6 घंटे, बट वी डोंट काउंट इट। तो ये जो 6 घंटे होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं, ये 6 आवर्स ऐड होते जाते हैं और फिर एक मंथ, एक आपका एक्स्ट्रा दिन बनता है। देखिए मैं बता रही हूँ इसे, ओके, ये देखिए, एज यू कैन सी 1 ईयर इट टेक्स 365 डेज एंड 6 आवर्स, सेकेंड ईयर में भी इसे 365 डेज एंड 6 आवर्स लगे, थर्ड ईयर में अगेन, फोर्थ ईयर में अगेन। अब क्या होगा, दिस 6 आवर्स विल एड अप एज 24 आवर्स। ये देखिए 6 4 24, ओके। तो जो फिफ्थ ईयर होगा इसमें आपके कितने डेज होंगे, 366 डेज प्लस दिस 24 आवर्स, दैट मीन्स 1 डे एक्स्ट्रा। तो ये वाला फरवरी में एक दिन आपका और बढ़ जाएगा और वो हो जाएगा 29 डेज, और इसे ही हम कहते हैं लीप ईयर, ओके। लीप मतलब एक बाउंस मिलना, एक दिन एक्स्ट्रा मिलना, दैट इज़ नोन एज लीप ईयर, क्योंकि 24 आवर्स का एक दिन बनता है, ओके। तो हर 5वां साल जो ऐसा होता है हमारा लीप ईयर होता है। अब नेक्स्ट ईयर से क्या होगा, फिर से 365 डेज 6 आवर्स, अगेन 4 ईयर्स ऐसा रहेगा, फिर फिफ्थ ईयर जो होगा हमारा लीप ईयर कहलाएगा, ठीक है, ओके। समझ में आया बच्चों आपको, तो ये जो 366 डेज वाला हमारा ईयर होता है दैट इज़ अ लीप ईयर। द मेन डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन इज़ अबाउट 93 मिलियन माइल्स। एक अगर हम एवरेज डिस्टेंस की बात करें अर्थ और सन के बीच की, तो दैट इज़ 93 मिलियन माइल्स, एंड द डिस्टेंस वेरीज बाय 3 मिलियन माइल्स फॉर्मिंग अ स्लाइटली ओवल पाथ। और इस डिस्टेंस को हम 3 मिलियन माइल्स के तौर पर समझते हैं, जो कि स्लाइटली ओवल पाथ है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया ना एलिप्टिकल ऑर्बिट है। आगे देखेंगे, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन ट्रेवर्सेस अ डिस्टेंस ऑफ 595 मिलियन माइल्स इन 365 डेज एंड 6 आवर्स। तो अर्थ जो है जब सन के अराउंड रिवॉल्व करती है तो कितना डिस्टेंस कवर करती है, 595 मिलियन माइल्स, इतना डिस्टेंस है उसकी ऑर्बिट में, वो अपनी पोजीशन पर वापस आने में उसे इतना डिस्टेंस है, और टाइम कितना लगता है, 365 डेज एंड 6 आवर्स। तो यहाँ से हम, हमारे पास डिस्टेंस है, हमारे पास टाइम है, हम स्पीड निकाल सकते हैं अर्थ की कि कितनी स्पीड में वो चल रही है। तो देखिए स्पीड है 18 माइल्स अ सेकेंड, एक सेकेंड में 18 माइल्स हमारी अर्थ चलती है, और अच्छे से समझें तो 66,000 माइल्स पर आवर, एक घंटे में 66,000 माइल्स चलती है, ओके। और अबाउट 1 लाख किलोमीटर पर आवर, और इजी वे में मैं आपको समझाऊं तो एक घंटे में कितना, 1 लाख किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में 1 लाख किलोमीटर चलती है। अब आप सोच लीजिए कितना ज़्यादा, ओके। सो वाइल एट द सेम टाइम रोटेटिंग वंस ईच 24 आवर्स, और उसी टाइम पर रिवॉल्व करते टाइम भी इट रोटेट इट्सेल्फ आल्सो फॉर वंस, एक रोटेशन में कितना टाइम लगाती है, 24 आवर्स, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर आपको सब कुछ दिया हुआ है, यहाँ पर आपको डिस्टेंस दिया हुआ है अर्थ, कितना डिस्टेंस रिवॉल्व करती है सन को, किस स्पीड में रिवॉल्व करती है ये भी आपको दिया हुआ है, और अर्थ की खुद की रोटेशन का टाइम भी दिया हुआ है आपको, ठीक है। एक रोटेशन कितने टाइम में कवर करती है, 24 आवर्स में, अंडरस्टूड। आगे देखेंगे हम इफ़ेक्ट्स ऑफ रोटेशन, रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। रिवॉल्यूशन जब होता है तो अनइक्वल लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट, डेज और नाइट की जो लेंथ है वो अनइक्वल हो जाती है। आपने नोटिस किया होगा ड्यूरिंग द समर द डेज आर लॉन्गर देन द नाइट्स, एंड ड्यूरिंग द विंटर्स द डेज आर शॉर्टर देन द नाइट्स, डेज आर शॉर्टर नाइट्स आर लॉन्गर, ओके। देन वर्टिकल एंड स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन, तो अर्थ जब रिवॉल्व करती है बेटा, एक तो एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करती है, दूसरा खुद भी टिल्टेड है, तो सन की जो रेज पड़ती हैं अर्थ पे वो कहीं स्लैंटिंग होती हैं, कहीं वर्टिकल होती हैं, कहीं स्ट्रेट होती हैं,
वेरिएशंस आ जाता है सन की जो रेज उसे मिलती हैं, ठीक है। देन द इम्पॉर्टेंट थिंग अकरेंस ऑफ सीजन्स, सीजन्स अकर होते हैं हमारे यहाँ, जो सीजन्स चेंज होते हैं वो अर्थ के रिवॉल्यूशन के वजह से होते हैं। अर्थ जो सन को रिवॉल्व करती है उसकी वजह से सीजन में वेरिएशंस आते हैं, मौसम बदलते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें कंपलसरी भी हैं, राइट, वरना अर्थ में हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये वाला वीडियो हम यहीं फिनिश कर रहे हैं। अप टिल देन थैंक यू सो मच।